हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग अनुराग शर्मा। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको इस चैप्टर में एंटर होने का तरीका बता रहा हूँ कि जब आप इस चैप्टर में एंटर होते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आपका प्लान क्या रहना चाहिए। तो आप इसको आराम से देखिए कि किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है सर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? ये देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं 2:1 में, और एक नया पार्टनर सी एंटर हो रहा है, मान लेते हैं 1/4 के लिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एडमिशन, क्योंकि एक पार्टनर नया एडमिट हो रहा है। अब सर, अब पार्टनर बढ़ के कितने हो जाएंगे? ए बी और सी 3। तो ए और बी क्या फ्री में अपना रेशियो सी को दे देंगे? नहीं ना। तो इसीलिए ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा एडमिशन का, कि जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हम करते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में सीखने हैं। ओके, देखिए ये जब भी चैप्टर आप देखेंगे, जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखें, प्लीज फिल्म की तरह ना देखें कि एक स्टेच में आप उसे देख गए, आप उसे आराम से पॉज करके देखें, आपको क्योंकि समझना भी है। मैं तो लिख रहा हूं क्योंकि मैं तो ये बुक 200 बार पढ़ा चुका हूं, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप इसे पॉज कर करके आराम से देखिए, साथ में आपको लिखना भी है। हर वीडियो के साथ आपकी एक पीडीएफ फाइल जो है वो है, वो आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लो, आपके साथ पास सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, देन आपको मैं सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बोर्ड पे लिख के कराऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं और आप आराम से उन सभी सॉल्यूशन को समझें, लिखें और रिवाइज भी करें। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि जब सी फर्म के अंदर एडमिट होगा तो फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, और उसमें मैं आपको कई तरीके से जो कैलकुलेशन है ना वो बताऊंगा, और उसको मैंने नेमिंग भी की है, नाम भी रखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको वो टॉपिक बहुत इजीली समझ में आएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद आप सीखेंगे इसमें सेक्रीफाइस रेशियो, कि सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और देन आगे जाके मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है। नंबर 3 मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, वो दिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल के कितने तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं। कोई पार्टनर कैश में गुडविल अगर लाता है तो क्या क्या ऑप्शन है, नहीं लाता है तो क्या ऑप्शन है, सही है, पार्टली कैश ले आए, पार्टली कैश ना लाए, कोई काइंड में गुडविल ले आए, सभी चीजें कोई डिस्कशन जो है बारी बारी से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और देन मैं उनका सॉल्यूशन करूंगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद आपका आएगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व वगैरह जो है या प्रॉफिट एंड लॉस है उसका ट्रीटमेंट जो है इस चैप्टर में आप कैसे करेंगे वो भी आप यहां सीखेंगे। इसके अलावा आप यहां देखेंगे हिडन गुडविल, हिडन गुडविल भी आप यहां सीखेंगे। हिडन गुडविल क्या, कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको कह दिया जाएगा, बट क्वेश्चन में आपको गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसका मतलब आपको कैपिटल के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसका एक फॉर्मूला और पैटर्न होता है, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको इसमें कराऊंगा इसमें कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन यानी अब तक के जितने भी अपने टॉपिक सीखे 1 से लेके 5 तक, उन सभी का कॉम्बिनेशन इस कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो सभी टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि इनका यूज कंबाइंडली कैसे किया जाता है। उसके बाद आपके कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन गुडविल के लिए भी कराऊंगा, जिसमें कि गुडविल का ट्रीटमेंट कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में कैसे किया जाता है वो भी आप देखेंगे। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या होगा, पार्टनर सी की कैपिटल आपको गिवन नहीं होगी, तो ए और बी के बेसिस पर आप सी की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, यानी कैपिटल एडजस्ट करेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कैपिटल एडजस्टमेंट। दूसरे में क्या होगा, सी की कैपिटल गिवन होगी,
और ए और बी सी के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे फ्लो चार्ट का यूज किया है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% गारंटी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरा जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो आपका बेसिकली इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड के कंबाइंड का है, ठीक है। उसका भी मैं एक न्यूमेरिकल आपके डाल दूंगा, वैसे सीबीएसई में इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इस टॉपिक को सीखेंगे, सही है। तो ये एक ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, हिडन गुडविल, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अबाउट गुडविल, हिडन गुडविल और पार्टली गुडविल, उन सब के लिए, और देन कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो इसके अंदर होंगे। मेरी आप सभी लोगों को सजेशन है, प्लीज आप वीडियो को एक स्ट्रेच में मूवी की तरह ना देखें, आराम से देखें, बारी बारी से सब वीडियो आपके सामने आएंगे, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और आपका बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स और बहुत ही अच्छा रिविजन होगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते, अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो, उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विद इन फाइव सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, मेरा नंबर है 9829224488, आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा, यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।